हाई एवरीवन, आज मेरे घर में सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी और इफ़ यू हैव रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ और मैंने जो सिस्टम इंस्टॉल करने का डिसाइड किया है वो मैं आपसे सब शेयर करता हूँ इस व्लॉग में। आई विल टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस, होप यू लाइक इट एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। रूफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कस्टम मेड या रेडीमेड स्टैंड्स लेंगे। मेरे लिए कस्टम स्ट्रक्चर बेहतर था क्योंकि मुझे छत पे एक्सेस भी खुला रखना था और 24 पैनल फिट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए था। ये 3 होल करेंगे इनके ना? हाँ जी, 3 होल करके फिर इसके ऊपर इसको टाइट करके फिर इसके ऊपर पैरेलल रख के वेल्ड करेंगे। वो आखिर वाली साइड लगा के फिर इनको वाटर लेवल करके फिर सेंटर वाले लगाएंगे। यदि नॉल बोल्ट टाइट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये जो टंकियाँ हैं ये सोलर पैनल्स के नीचे आ जाएंगी और इनको भी शेड मिल जाएगा और हमें मैक्सिमम एरिया कवर करने को मिलेगा। 6.5 पीछे से 9 फुट होगा स्लोप में। तो जब भी आप सोलर पैनल लगाने का सोचेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑफ ग्रिड रहेंगे, या आप ऑन ग्रिड रहेंगे, या आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप दिन में सोलर पैनल से अपने घर का लोड चलाते हैं और साथ साथ अपने बैटरी बैकअप को भी चार्ज करते हैं। रात को आप ग्रिड से बिजली यूज करते हैं और लोड शेडिंग की सूरत में बैटरी बैकअप इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको UPS से छुटकारा मिल जाता है और बिल तकरीबन आधा हो जाता है। ऑन ग्रिड का ये होता है वो नेट मीटरिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं। नेट मीटरिंग का ये सिस्टम है कि आप दिन में सोलर पैनल से अपनी एनर्जी लेते हैं और अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी बिजली बेच देते हैं इन एक्सचेंज फॉर यूनिट्स। और जब आप रात को यूज़ करते हैं अपनी बिजली, जब सोलर पैनल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो आप उन यूनिट्स के एक्सचेंज में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वापस बिजली ख़रीद लेते हैं। मगर इसका एक ये नुकसान है, अगर आपकी लोड शेडिंग हो रही है तो आप फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं है बैटरी का, तो फिर आप लोड शेडिंग आपके घर में होगी। हाइब्रिड सिस्टम में आप सबसे पहले अपने घर का लोड चलाते हैं और बैटरी बैकअप को चार्ज करते हैं और जब बैटरीज चार्ज हो जाएं तब आप एक्सेस बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेच देते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में रात को अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो आपके घर की बिजली नहीं जाती। नेट मीटरिंग के लिए अगर आपको चेक करना है कि आपके इलाके में नेट मीटरिंग है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके घर के बाहर जो खंभे से बिजली आ रही है उसमें 3 तारें हैं या 4 तारें हैं। अगर आप 4 तारें आ रही हैं आपके घर के अंदर तो उसका मतलब है कि नेट मीटरिंग पॉसिबल है। नेट मीटरिंग के लिए आपको बाई डायरेक्शनल 3-फेज मीटर की ज़रूरत होती है और इसलिए आपके घर को भी 3-फेज सिस्टम पे होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपका घर 3-फेज पे है या सिंगल फेज पे तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने मीटर पे जाकर देखें कि वो सिंगल फेज है या 3-फेज है। इस वक्त मेरा जो मीटर है वो सिंगल फेज मीटर है, विच इज़ वाई मेरा मूड था नेट मीटरिंग कराने का, बट आई कैनॉट डू दैट एट द मोमेंट। उसके लिए मुझे अलग पेपर वर्क करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा ISCO और वहाँ पे पैसे जमा कराने होंगे और वो एक लंबा प्रोसीजर है जो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसकी वजह से क्योंकि मेरा सिंगल फेस मीटर था आई हैव टू गो विद द ऑफ ग्रिड सिस्टम। दूसरी चीज़ आपने सोलर पैनल्स लगाने से पहले ये देखनी है कि आपके घर का साउथ फेस किस तरफ है। इसके लिए आप कोई भी अपने फ़ोन की ऐप यूज़ करें कॉम्पस वाली और देखें कि आपके घर का साउथ डायरेक्शन किधर बन रहा है, क्योंकि अगर आप सोलर पैनल साउथ फेसिंग लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो मेरे घर का साउथ जो है ये कोना जो आप देख रहे हैं, ये कोना मेरे घर का साउथ बन रहा था। तो मसला ये आ रहा था कि अगर मैं इस तरह टेढ़ा करके लगाता हूँ अपने सोलर पैनल्स तो 16 पैनल्स फिट आ रहे थे, विच मीन्स अराउंड 7 किलोवाट का सिस्टम मेरा लग सकता था। तो मैंने 10 किलोवाट लगाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया और 30 डिग्री ईस्टवर्ड में गया हूँ और साउथ ईस्ट 150 साउथ ईस्ट डिग्रीज पे मैंने अपने 10 किलोवाट का सिस्टम मेरा फिट हो रहा है, जिससे मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा मिल गई थी और मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगा सकता हूँ। 30 डिग्री ईस्टवर्ड मूव होने की वजह से ये हुआ है कि मेरा
सनराइज़ और सनसेट में तकरीबन 15 से 30 मिनट का एफिशिएंसी में रिडक्शन आएगा। उसके अलावा द गुड थिंग इज़ कि मैं एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकूँगा, विच इज़ अ वेरी पावरफुल सिस्टम और इट शुड यानी मीट ऑल आवर नीड्स। फ्यूचर में नेट मीटरिंग कराने के लिए मैंने अपने घर को 3 फेज में कन्वर्ट करने का फैसला किया। फोर कोर जो है दो वायरें, एक मेन आ रही है और ये एक सेकंड फ्लोर की डीपी भी जा रही है सोलर ब्रिगेड डायरेक्ट। 3 फेज ब्रेकर है, ये एक ग्राउंड फ्लोर के लिए, 3 हाफें रेड में और एक न्यूट्रल है। इसी तरह ही सेकंड फर्स्ट फ्लोर का ये वाला डीपी है, इसके अंदर 3 हाफें एक न्यूट्रल है और ये सेकंड फ्लोर के लिए ये पूरी डीपी है, वो यहाँ से ब्रेक होगी, ये भी 3 फेज है। और ये वाला जो है ये वापता है सोलर सिस्टम के लिए, ये वाला डबल ब्रेकर, 1 न्यूट्रल 1 पॉजिटिव। ये जो हमारे पिलर है ना, हमने इसको आगे नहीं किया था, पीछे किया था क्योंकि पीछे दीवार थी ना, उसमें हमने होल कर दिया, उसमें मजबूती के लिए क्योंकि हाइट है ना, वहाँ हवा ज़्यादा पड़नी है। सोलर पैनल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ये आखिरी वर्ड लग रहा है। सोलर पैनल्स की बेस हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग की है क्योंकि इस पे हमने डायरेक्ट लेंटर पे इसको बोल्ट से फिक्स किया, उसके ऊपर हमने फिर थर्मापोल लगाया, उसके ऊपर फिर हमने जो है सीमेंट के बाद मार्बल लगा दिया, तो ये तक बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बन गया है, बिल्कुल भी इसमें प्ले नहीं है। 24 पैनल्स लगेंगे अक्रॉस। आज से जो हमारे सोलर पैनल चढ़ना शुरू हो गए और इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और चार चार करके इसको हम लगाना शुरू करेंगे और टोटल एज यू नो 24 पैनल्स हैं। और अभी हम बिल्कुल अपनी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट शूटिंग सेटअप जो अक्सर आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलता है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अभी, तो वो अभी स्टार्ट होने लगा। बिल्कुल कैमरा सामने सेट हो चुका है।